सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हमने पाचन तंत्र के बारे में देख लिया था और आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन है हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैविक क्रियाओं के संपन्न होने से, उन अपशिष्ट पदार्थों का अगर वो शरीर में अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं तो वो शरीर में विषाक्तता पैदा कर देते हैं, तो उनका शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। अब अगर हम इस उत्सर्जन तंत्र को अगर साइंस विज्ञान की भाषा में देखें इसको, तो शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, उनका बाहर त्यागना ही क्या है? उत्सर्जन है। अर्थात अगर हम इसको साइंस की भाषा में देखें तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का बाहर निकालना ये क्या है? उत्सर्जन है। अब हम इस उत्सर्जन के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांटते हैं। तो उत्सर्जन के आधार पर जीवों के तीन प्रकार है। फर्स्ट है अमोनियोटेलिक। सेकंड जो है वो है यूरियोटेलिक। और थर्ड है यूरिकोटेलिक। तो उत्सर्जन के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांटा गया है, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब इस अमोनियोटेलिक नाम से क्लियर है वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो कहलाते हैं अमोनियोटेलिक। ये जो अमोनिया है वो बहुत ही विषाक्त पदार्थ है, जो जहरीला पदार्थ है ये अमोनिया। और इस अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिन जीवों को जल की आवश्यकता ज्यादा होगी वही इस अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। जैसे कि मछलियां, ये जो मछलियां हैं वो किसका उत्सर्जन करती है? अमोनिया का। कुछ जलीय कीट ये भी इस अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अमोनिया बहुत ही विषाक्त पदार्थ है, इसके उत्सर्जन के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। और ये जो है ये मछलियां और जलीय कीट इस अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। हमारे शरीर में भी जो अमोनिया बन जाता है, तो अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है। हमारा जो वृक्क है, जो किडनी है, वह इनका उत्सर्जन करने में सक्षम नहीं होती है। तब हमारा जो यकृत है वो यकृत इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो यूरिया है वो फिर वृक्क द्वारा त्याग दिया जाता है। इसलिए यकृत को शरीर का भोला भी बोलते हैं, क्योंकि विषाक्तता को ग्रहण कर लेता है, शरीर का भोला। अब है यूरियोटेलिक। जो ये यूरियोटेलिक है वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और ये यूरिया का उत्सर्जन इसमें क्या है, ये अमोनिया की तुलना में थोड़ा कम विषैला होता है, तुलनात्मक अमोनिया के। और इसमें जल की आवश्यकता इसकी तुलना में कम होती है। और ये जो है वो मेंढक और मनुष्य ये जो है इस यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये जो अमोनिया की तुलना में कम विषैला है और इसमें जल की आवश्यकता अमोनिया के तुलना में कम होती है, तो ये हो गया यूरियोटेलिक। इसके बाद है यूरिकोटेलिक। ये जो यूरिकोटेलिक है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल है वो इन दोनों की तुलना में कम विषैला होता है और इसमें जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो जल की आवश्यकता जिसमें बहुत कम होगी ऐसे जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। जैसे कि पक्षी है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। जैसे मेंढक और मनुष्य
यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेली। अब ये जो मेंढक है वो तो यूरिया का उत्सर्जन करता है, लेकिन जो मेंढक के बच्चे हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मेंढक है वो अपने जो मेंढक अपने अंडे जो है वो पानी में देता है, इसलिए वो जल में रहने के कारण किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का। और मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है क्योंकि मेंढक उभयचर है, जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो ये जीवों के प्रकार हो गए इसके उत्सर्जन के आधार पर, तीन प्रकार, अमोनियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनियोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन, यूरियोटेलिक यूरिया का उत्सर्जन, यूरिकोटेलिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। तो अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से जो जीव है उनमें कौन कौन से अंग होते हैं। जैसे कि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में उत्सर्जन का जो अंग होता है वो है वृक्क, जिसको हम बोलते हैं किडनी। ये जो किडनी है वो मनुष्य में उत्सर्जन का अंग है। तो मनुष्य में तो उत्सर्जन का अंग है, लेकिन जो एक कोशी के जीव होते हैं, एक कोशी के यूनिसेल्यूलर, अब उनमें तो कोई अंग है नहीं, तो वे अपना उत्सर्जन किस प्रकार करते हैं। तो ये जो एक कोशी के जीव होते हैं वो त्वचा द्वारा, उनमें जो त्वचा होती है अपनी स्किन द्वारा क्या करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं। तो अगर हमें पूछ रहे कि अमीबा उत्सर्जन कैसे करता है, तो वो अपनी त्वचा द्वारा, क्योंकि वो क्या है, एक कोशी की जीव है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथीज की, प्लेटीहेल्मिंथीज, ये जो प्लेटीहेल्मिंथीज है उनमें ज्वाला कोशिका पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं, और ये प्लेटीहेल्मिंथीज ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन करते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो ये तो हमने देख लिए जीवों के प्रकार, उत्सर्जन के अंग। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे हमारे जो मनुष्य में जो वृक्क है, जो किडनी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो मनुष्य में जो वृक्क किडनी है, यह मनुष्य के उत्सर्जन का अंग है। और मनुष्य में यह किडनी दो होती है, मनुष्य में किडनी दो होती है। इनका जो वजन होता है वो 140 ग्राम होता है लगभग। वृक्क मनुष्य में दो होते हैं, इनका वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। और ये जो वृक्क होते हैं वो उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं। उदर गुहा, उदर गुहा में जो पेट है उसके नीचे और पीछे की तरफ स्थित होते हैं वृक्क। ये इनकी स्थिति है और इनका वजन 140 ग्राम है। अगर इनका रंग देखें तो ये हल्का गुलाबी कलर होता है, इनका हल्का गुलाबी कलर, हल्के गुलाबी कलर के वृक्क होते हैं। तो वृक्क जो है वो मनुष्य में दो है, इनका वजन 140 ग्राम है, ये उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं, इनका रंग है वो हल्का गुलाबी है। अगर हम इस वृक्क की सबसे छोटी इकाई की बात करें, सबसे छोटी इकाई वो होती है नेफ्रॉन। जैसे हमारे मनुष्य में सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेल, कोशिका, उसी प्रकार वृक्क की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। लगभग जो एक किडनी होती है उसमें 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो एक किडनी की सबसे छोटी इकाई होगी नेफ्रॉन। अगर एक किडनी की बात करें तो 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं इसमें। यह है वृक्क की संरचना। तो हम इस वृक्क के बारे में देखेंगे, तो ये मनुष्य में दो वृक्क होते हैं, ये जो है वो दाया है और ये बाया है। ये जो दाया वृक्क होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और झुकने का कारण ये है कि इसके ऊपर लीवर होता है, लीवर जो यकृत है, इस यकृत के कारण ये क्या होता है, झुका हुआ होता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। तो ये जो है इसको बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सूल। ये जो है इसको बोलते हैं पिरामिड, पिरामिड। इसको बोलते हैं कैल्किस, कैल्किस।
इस वाले भाग को बोलते हैं हाइलम। ये जो है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये जो है महाधमनी है। महाधमनी ये महाशिरा। महाशिरा ये मूत्रवाहिनियां है। मूत्रवाहिनी ये दोनों मूत्रवाहिनी है और ये है मूत्राशय। तो ये एक किडनी की संरचना है। तो ये वाला जो भाग है कॉर्टेक्स, इस कॉर्टेक्स भाग में जो नेफ्रॉन है जो किडनी की सबसे छोटी इकाई है, इस नेफ्रॉन में एक भाग होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और एक होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको हम पीसीटी बोलते हैं। ये वाला दोनों भाग इस कॉर्टेक्स में होते हैं और ये जो पूरा भाग है इसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला और इस मेडुला में जो त्रिभुजाकार की संरचना दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं पिरामिड। ये जो है ये महाधमनी है और ये महाशिरा है। फिर ये जो मूत्र है इस मूत्र वाहिनी द्वारा लाया जाता है तब मूत्राशय में इकट्ठा किया जाता है, फिर इन्हें बाहर त्याग दिया जाता है मूत्र मार्ग द्वारा। तो ये एक वृक्क की संरचना है। अब हम नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे। इस नेफ्रॉन में हम ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी इस सब के बारे में देखेंगे। तो किस प्रकार जो यूरिन का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है नेफ्रॉन में, वो पूरा हम देखेंगे। तो ये एक वृक्क की संरचना है। तो वृक्क में ये भाग है कैप्सूल, इसको बोलते हैं कैप्सूल। ये मेडुला भाग है जिसमें पिरामिड सेल होती है। ये कैल्थिस भाग, ये कॉर्टेक्स है जिसमें नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस और पीसीटी भाग है। ये महाधमनी है और ये महाशिरा है। अब हम एक किडनी की संरचना बनाकर देखेंगे। जैसे कि ये किडनी है, ये किडनी है ये। अब इसमें ये जो है वो हो गई पिरामिड। अब ये जो पिरामिड है यहां से कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकलेगी, जैसे कि ये। अब ये जो सब छोटी नलिका है ये मिलकर एक बड़ी नलिका का निर्माण करती है। ये बड़ी नलिका का निर्माण करती है। तो ये पिरामिड से जो छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है इनको हम बोलते हैं वर्तनिके स्तंभ। वर्तनिके स्तंभ और ये जो सब ये जो वर्तनिके स्तंभ है ये सब मिलकर एक नलिका का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं हम वेलिनाई। वेलिनाई अब ये जो वेलिनाई है वो है इस मूत्र वाहिनी में मिल जाती है, तो इसका जो मूत्र है वो मूत्राशय तक ले जाती है। तो ये एक किडनी की संरचना है जिसमें ये पिरामिड है, इन पिरामिड से ये छोटी छोटी नलिकाएं होती है और ये सब नलिकाएं मिलकर एक बड़ी नलिका का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं वेलिनाई।